चलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। आपको ध्यान होगा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें इंडेफिनिट टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को एक ही वीडियो में कवर किया था। उसी प्रकार आज भी हम कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट लेकर आए हैं और कंटिन्यूअस टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चार्ट। पूरा फोकस नहीं लिया आप। स्टार्ट होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा जो चार्ट है वो कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट है और इस एक ही चार्ट में हमने तीनों टेंस को कवर किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम इस टेंस के चार्ट के माध्यम से तीनों ही टेंसेस की पहचान, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हुए समझेंगे कि किस प्रकार बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, मैंने पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा कंपलसरी है टेंस की पहचान होना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। मोस्टली बच्चों को जानकारी केवल ये होती है कि इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है या हुए हैं के बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं, लेकिन हुआ है और हुए हैं भी इसी टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आपको पता होगा, एक सेंटेंस बोला जाए कि बच्चा नदी किनारे बैठा हुआ है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। इसके साथ हम अगले टेंस पर आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखते हैं, इस टेंस की क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें रहा है, रही है आया और इसमें रहा था, रही थे आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। ये हमारी जो पास्ट टेंस क्या होता है, जो समय बीत चुका होता है वो होता है पास्ट टेंस। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर मीन्स जो काम भविष्य में होने वाला है। तो इसकी पहचान क्या होती है, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार हमने एक ही बार में तीनों टेंस की पहचान को क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पर कि हम किस प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस प्लस इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे सामने आता है इज, आर, एम। इज, आर, एम, इज सिंगुलर पर्सन के साथ। जब हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। लेकिन यहीं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन हो तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और यदि सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम प्रयोग करेंगे एम का। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आती है हमारी, बी वन। बी वन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ते हैं आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी वन में आई एन जी जोड़ दिया और आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट सेंटेंस को देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार बना हमारा। यहाँ सब्जेक्ट वही, जैसे यहाँ सब्जेक्ट वैसी आया नंबर वन पे, यहाँ पे सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज आर एम। पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वाज वर। आगे स्ट्रक्चर वही है हमारा, सेम टू सेम, वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे सामने विल, सेल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल का प्रयोग होता है।
विल और सेल के बारे में हमारे सभी बच्चे एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आई वी के साथ सेल अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर फिर से देखिए एक बार, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है कंप्लीट, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी प्लस बी प्लस बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने एफर्मेटिव के तीनों ही स्ट्रक्चर क्लियर कर लिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। राधा गाना गा रही है, गा रही है क्यों, क्योंकि इसकी पहचान है रहा है रही है रहे हैं। तो सेंटेंस लिया हमने राधा गाना गा रही है। राधा क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा इज राधा, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हमारा सेंटेंस क्या बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी सेंटेंस को हमने कहाँ पर लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब यही सेंटेंस हमने राधा गाने गा रही है, यही सेंटेंस हम पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर गए और हमने क्या लिखी पहचान, राधा गाना गा रही थी। क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था रही थी रहे थे। तो हमारा सेंटेंस बन गया राधा गाना गा रही थी। और राधा गाना गा रही थी का सेंटेंस क्या बनेगा, राधा, राधा फिर क्या है सिंगुलर, इसका प्रयोग होगा वाज का, राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। यदि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट क्या होता प्लूरल, तो प्रयोग किसका होता वर, तो राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, सेंटेंस भी तुम्हारे सामने है, राधा गाना गा रही होगी, ये क्या है इसकी पहचान। तो सब्जेक्ट क्या हो गया राधा, राधा के साथ किसका प्रयोग हुआ विल का, सेल का, विल का, हमें पता है सेल का प्रयोग ओनली आई बी के साथ होता है, तो राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार हमारा कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस एग्जांपल क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज आर एम या इज एम आर कुछ भी हो सकता है, प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, प्लस क्या आएगी बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर एक है, केवल हमने क्या किया है नॉट का प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एक सेंटेंस लिया लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारे सामने है लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लड़के बॉयज क्या है सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल, द बॉयज किसका प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब आर, द बॉयज आर नॉट रीडिंग, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं, इस सेंटेंस को लेकर पहुंचते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमारे सामने फिर से स्ट्रक्चर आता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट, यहाँ भी नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ था हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यहाँ भी नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेंटेंस है, यहाँ था लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ यही सेंटेंस हो गया लड़के नहीं पढ़ रहे थे, तो हमारा सेंटेंस बनता है द वॉयज वर, लड़के प्लूरल, सब्जेक्ट हमारे पास है इसलिए आएगा वर, द वॉयज वर नॉट रीडिंग, लड़के नहीं पढ़ रहे थे। इसी सेंटेंस को लेकर पहुँचते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हमारे सामने क्या, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ ध्यान से देखना है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। लेकिन जब हम इसी को लेकर निगेटिव में आए तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ विल सेल प्लस नॉट प्लस बी आया, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएं तो विल नॉट बी का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस हमारे सामने है, लड़के नहीं पढ़ रहे होंगे। लड़के पता है हमें केवल आईवी के साथ सेल का प्रयोग होता है। द बॉयज विल नॉट बी रीडिंग, लड़के नहीं पढ़ रहे होंगे। अब हम चलते हैं, हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो गया, निगेटिव क्लियर हो गया, और अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये आपको पहले से पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ये पता है फर्स्ट टाइप सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्ट में आता है, और सेकंड टाइप सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है। तो पहला फर्स्ट टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए, इंटरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आना है? सबसे पहले आनी है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है, इज आर एम, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना है, फिर आना है सब्जेक्ट। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें एक चीज हटके क्या होती है, इसमें लगता है क्वेश्चन मार्क। तो अब सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा रो रहा है, क्या स्टार्टिंग में आ चुका है, इसलिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले स्ट्रिंग देखें, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या बच्चा रो रहा है, हमारे सामने सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, बच्चा क्या है, सिंगुलर पर्सन, इसलिए क्या आएगा, बच्चा है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए आएगा इज, इज द चाइल्ड। वीपिंग इज सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया आई एन जी, इज द चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा है। अगला सेंटेंस बनता है हमारा, क्या बच्चा रो रहा था, ये किस में बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए एक बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर है वॉज वर। सबसे पहले क्या आई, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस पी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही है, यहाँ था क्या बच्चा रो रहा है, यहाँ है क्या बच्चा रो रहा था। ये भी क्या है, बच्चा, अभी देखा था मैं सिंगुलर, तो वॉज द चाइल्ड, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वॉज द चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर, फ्यूचर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या है, विल शैल। देखिए आप ध्यान से देखना, तीनों ही सेंटेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का ही यूज सबसे पहले दिया गया है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, वी इस सेंटेंस में वी को ध्यान से देखना है, जैसा अभी नॉट में देखा था कि नॉट प्लस वी था, और यहाँ भी बहुत ध्यान से देखना है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी होगा। कोई बच्चे गलत, कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करे, विल बी सेल बी के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होना, बल्कि वी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होना है। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, क्या बच्चा रो रहा होगा, विल द चाइल्ड वी बीपिंग, क्या बच्चा रो, बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, विल द चाइल्ड वी बीपिंग। अब इसी के आते हैं सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर में, इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर। देखो आपको पता है कि जब हम इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमें इस स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं करना होता है, केवल इससे पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करना होता है, और बाकी सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर में यही स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहता है। तो सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिख दिया, क्यू वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद देखिए क्या आया, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमारे सामने आया, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ था, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ है, सेंटेंस के बीच में। क्यों, हम क्यों लड़ रहे हैं। हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हमें लेना है, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई सबसे पहले आ गया। अब क्या नहीं, हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है क्या, वी, और वी के साथ हम ना तो इज का प्रयोग कर सकते हैं ना एम का प्रयोग कर सकते हैं, हमें प्रयोग करना है आर का। तो वाई आर वी फाइटिंग,
वाई आर वी, देखिए क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वाई आर वी फाइटिंग, क्या आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वाई आर वी फाइटिंग। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर वी वन आई एन जी के बाद ही सेंटेंस को जोड़ दिया गया, तो देखिए सेंटेंस के बारे में आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सेंटेंस क्या होते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सकर्मक क्रिया वाले और अकर्मक क्रिया वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के बाद भी कंप्लीमेंट होता है। तो इस पर इसको ध्यान से देखें कि ये सेंटेंस केवल वर्ब पर, ये यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन बड़ा, अब देखते हैं हम कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा है? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। स्ट्रक्चर आपको पता है, केवल इसमें क्या जोड़ना है? क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस। यहाँ क्या था हमारे, हम क्यों लड़ रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, हम क्यों लड़ रहे थे, वही वर्ड इंटरोगेटिव बाहर आ गया, वाई वर्ब बी फाइटिंग, हम क्यों लड़ रहे थे। पहुंचते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार। स्ट्रक्चर सेम टू सेम, सभी का स्ट्रक्चर लगभग एक सा ही, क्वेश्चन वर्ड फिर आई हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी हमने देखा था जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे रखनी है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्प प्लस हेल्प प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। केवल हम इस टेंस में बी को देखना ध्यान से, तो वी प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, हम क्यों लड़ रहे होंगे। तो वाई सेल बी बी फाइटिंग, हम क्यों लड़ रहे होंगे। हमें बस इस बी का ध्यान रखना है कि हमें जो सब्जेक्ट वाला बी है उसको पहले लेके आना है और जो हेल्पिंग वर्ब वाला बी है उसको बाद में लाना है। तो इस प्रकार हमारे क्लियर हो गए एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव के टू टाइप्स। लेकिन अभी इंटरोगेटिव में एक सेंटेंस और विशेष आता है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी थोड़ा कम होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन ये सेंटेंस क्या होता है इनसे डिफरेंट होता है। कौन सा सेंटेंस? स्ट्रक्चर ऑफ हु वाला सेंटेंस। हु वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये भी इंटरोगेटिव वर्ड होता है, ये भी इंटरोगेटिव वर्ड है वाय, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्यों होता है? इसका रीजन पिछली वीडियो में बताया था, ये हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है, यानी हु जो वर्ड है वो एक साथ दो कार्य करता है, एक तो ये इंटरोगेटिव वर्ड का कार्य करता है, दूसरा काम ये सब्जेक्ट का करता है, ये अपने आप में सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हु वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे सामने अब ये हु वाले सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी टू टाइप्स होते हैं, इंटरोगेटिव ओनली इंटरोगेटिव, और दूसरा सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो जब केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है तो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या है, ये स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया हु, यहाँ भी क्या है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी क्या है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट आया था। इस टेंस में इंटरोगेटिव सेकंड टाइप स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या आया था, सब्जेक्ट। यहाँ पर तो सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, ये जो वर्ड है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन कौन पढ़ा रहा है, ये पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, कोई ना कोई टीचर हो और कोई पर्सन हो, भाई हो, लेकिन कोई ना कोई पर्सन ही होगा ना, तो ये क्या है अपने आप में सब्जेक्ट, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं, हु हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीचिंग और क्या है ऑब्जेक्ट, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। इसी सेंटेंस को लेकर चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, हु यहाँ भी क्या था हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी क्या है हेल्पिंग वर्ब, इतना अंतर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पास्ट वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग
तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु पढ़ा, कौन पढ़ा रहा था, ये आप जानते हैं क्या सिंगुलर पर्सन है, कौन पढ़ा रहा था, हमें एक बार में एक ही व्यक्ति पढ़ाते हैं तो ये क्या है सिंगुलर पर्सन। तो हु वॉज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। इसी सेंटेंस को लेकर हम पहुंचते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या रखना है, देखो हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या दी थी विल बी और शैल बी, लेकिन इस टेंस में इस बी अभी फर्स्ट इंटरोगेटिव की ओनली इंटरोगेटिव में क्या होगा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हमें यहाँ पर विल बी और शैल बी का ही प्रयोग करना है और कंबाइंड प्रयोग करना है विल बी शैल बी। उसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस है तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा, तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। सेंटेंस में क्या निकाला हमने कौन, हु, क्या गया हु। अब आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हु विल बी, देखिए एक साथ आ गया विल बी, हु विल बी सब्जेक्ट नहीं है, हु विल बी टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा हु वाला सेंटेंस कि ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। अब आते हैं हु वाले सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तब स्ट्रक्चर होगा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है, हु इज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट टीचिंग यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, स्ट्रक्चर सेम टू सेम स्ट्रक्चर है क्या, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस भी सेम है केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा था, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा था, हु वॉज नॉट टीचिंग यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा था। और अब फ्यूचर कंटिन्यूस में टेंस का स्ट्रक्चर है हु प्लस विल शैल प्लस नॉट। देखिए अभी हमने यहाँ ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर हमने क्या लिया हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, जब हु वाला सेंटेंस ओनली इंटरोगेटिव आया तो हमने कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब को एक साथ ले लिया, लेकिन जब हु वाला सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव में आया तो हमें ध्यान रखना है कि हु प्लस विल सेल प्लस नॉट पहले आएगा बी बाद में जाएगा। यहाँ पे विल बी नॉट नहीं कर सकते, विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। तो हु विल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट वी टीचिंग यू, हु विल नॉट वी टीचिंग यू। इस प्रकार आज हमने एक ही दिन में आपके टोटल कंटिन्यूस टेंस को कवर कर लिया। स्टूडेंट्स इस प्रकार आप अब तक अपने दो टेंस इंडेफिनिट और कंटिन्यूस क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब आपको इसमें करना क्या है। देखिए जिस प्रकार मैंने दोनों ही टेंस के चार्ट तैयार किए, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके पूरा सेंटेंस एक तैयार किया एग्जाम्पल के रूप में, उसी प्रकार आप भी अगर अपना अपना एक चार्ट तैयार करें और चार्ट तैयार करके अपने स्टडी रूम में लगाएं तो मैं समझता हूँ कोई भी आपको टेंस सीखने से नहीं रोक सकता। और अगर ये चार्ट आपके स्टडी रूम में लगा हुआ है तो ये मानिए आप कि आपके सेंटेंस हमेशा हमेशा के लिए, जो आपके जो भी टेंस हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पक्के हो गए। तो मैं कहूँगा सभी बच्चे एक चार्ट बनाकर अपने स्टडी रूम में लगाएं, ठीक, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहें, धन्यवाद।